प्यारे बच्चों नमस्कार। हम पीछे पढ़ रहे थे कक्षा 10 में विषय गणित प्रश्नावली 15.1, जिसमें दिया गया था वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल। तो कुछ क्वेश्चन हमने उस दिन किए थे, कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे, उनको आज पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल है ₹484 हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सवाल में दिया है कि एक वृत्त है इस प्रकार से गोल घेराबंद आकृति और एक दिया है वर्ग है, ये वर्ग है, ये वृत्त है और ये वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और वृत्त एक गोल घेराबंद आकृति होती है। इसने दिया है कि वृत्त की जो परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो परिधि है इसके चारों ओर का घेरा, इसकी नाप बराबर किसके है, इसके चारों ओर की यानी चारों भुजाओं के योग के बराबर है। फिर इसने दिया है हमें कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 484 मीटर² है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संख्या में एक ही दी गई है सवाल में, ये वाली कि वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर² है। तो क्षेत्रफल अगर दिया हुआ हो तो क्षेत्रफल के सूत्र के बराबर लिखा जाता है, तो लिखेंगे हम वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 मीटर². अब वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की स्क्वायर, तो ये आ जाएगा भुजा की स्क्वायर क्षेत्रफल का सूत्र है, इसका मान है 484। अब आगे हल करने के दो तरीके हैं। एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भुजा की स्क्वायर बराबर 22 की स्क्वायर होती है 484। ये तो तब लिखा जा सकता है जब आपके कुछ स्क्वायर याद हों, जैसे एक की स्क्वायर एक होती है, दो की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64, 9 की स्क्वायर 81, 10 की स्क्वायर 100, 11 की स्क्वायर 121, 12 की स्क्वायर 144, 13 की स्क्वायर 169, 14 की स्क्वायर 196, 15 की स्क्वायर 225, 16 की स्क्वायर 256, 17 की स्क्वायर 289, 18 की स्क्वायर 324, 19 की स्क्वायर 361, 20 की स्क्वायर 400, 21 की स्क्वायर 441, 22 की स्क्वायर 484, 23 की स्क्वायर 529,
24 की स्क्वायर 576, 25 की स्क्वायर 625, इनको आप याद कर सकते हैं। स्क्वायर किसी का वर्ग होता है, यानी उसी संख्या को जब हम उसी संख्या से गुणा करें तो स्क्वायर बनती है, यानी 17 को 17 से गुणा करें तो 289 बनेगा, ऐसे ही 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 576 बनेगा, 22 को 22 से गुणा करेंगे तो 484 बनेगा, यानी किसी भी संख्या की स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। तो 484 है वो 22 की स्क्वायर का मान होता है, अगर याद हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी तो भुजा बराबर 22 मीटर आ जाएगी। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं ऐसे वर्ग के क्षेत्रफल से, दूसरा हम इसको अगर वर्गमूल निकालना आता हो बच्चों को, 484 का वर्गमूल निकालना है, भुजा अगर ज्ञात करनी है तो इस साइड से जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे इस साइड पे वर्गमूल का निशान लग जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर इस साइड से हटेगी तो इस साइड में वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकालने के लिए 484 के बजे गुणनखंड कर दें, 2 का भाग जा रहा है 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 2 दुनी 4, फिर 2 का भाग जा रहा है 2 एकन 2, 2 दुनी 4, 2 एकन 2, फिर 11 का भाग जा रहा है 11, फिर 11 का भाग जा रहा है 1। अब भुजा बराबर 484 के टुकड़े करें तो टुकड़े बनते हैं 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11। जब वर्गमूल निकालते हैं तो दो दो के जोड़े में से एक एक लिया जाता है, दोनों दुओं में से एक दो आ जाएगा, 11 गुणा 11 में से 11 आ जाएगा, 11 दुना 22 मीटर। इस प्रकार से भी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। ये मैंने वर्गमूल निकाल के दिखाया है अभाज्य गुणनखंड विधि से, भाग विधि से भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं 484 का, जैसे ये छोटी क्लासों में अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं बच्चे, थोड़ी क्लासें जैसे बड़ी होती हैं तो सीधे भाग विधि से वर्गमूल निकाल करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। भाग विधि से वर्गमूल निकालें तो इस प्रकार से निकलेगा, देखिए जैसे ये 484 दो दो के जोड़े बनते हैं इस साइड से, अंतिम जोड़ा देखिए 4 जो है वो 2 की स्क्वायर होता है, तो 2 की स्क्वायर होता है तो पहला वर्गमूल अंक 2 आ गया, 2 की स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 4, पहले वर्गमूल का अक्षर 2, 2 की स्क्वायर यहाँ 4 घट जाएगा। अब जो वर्गमूल का अक्षर आया है उसका दुगुना यहाँ लिखा जाएगा 4, ऊपर से जोड़ा उतारा जाता है तो 84 उतार लेंगे। अब इस 4 का भाग 8 में दें तो 2 पर जा रहा है, 2 यहाँ लिखा जाएगा, 2 ही यहाँ लिखेंगे और 2 से ही गुणा किया जाएगा, 42 दुनी 84 और ये आ गया शेषफल 0, तो ये वर्गमूल आ गया 22। तो इस प्रकार से भी भुजा हम 22 मीटर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि वर्ग का जब क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो वर्ग की भुजा कैसे ज्ञात करें, तो एक तरीका तो ये है, ये तब निकाल सकते हो आप जब आपके वर्ग सारे याद हो। एक तरीका ये है जैसे वर्गमूल निकाल करके हम भुजा को सीधा निकाल सकते हैं, और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाला था उससे भी हम भुजा को ज्ञात कर सकते हैं, ये मैंने भाग विधि से निकाला है अभी। तो आगे देखें क्वेश्चन कैसे होगा कि ये आ गई वर्ग की भुजा। अब हमें दिया गया है कि वृत्त की परिधि जो है इसके जो घेरे की नाप है वो इसकी परिमाप के बराबर है, और इस वर्ग की भुजा आई है 22 मीटर। वर्ग का परिमाप हमें पता है कि 4 गुना भुजा होता है, इसने दिया है परिधि बराबर परिमाप, दिया है कि परिधि वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग का परिमाप। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, वर्ग के परिमाप का सूत्र 4 गुना भुजा। तो देखिए इसमें मान रखें तो 2 गुना 22 बटे 7 गुणा में r बराबर 4 गुना भुजा है 22। अब देखिए हमें r ज्ञात करनी है
आर के बगैर वर्त का जो क्षेत्रफल इसने पूछा है ये त्रिज्या के बगैर निकलता नहीं है। वर्त की चाहे परिधि पूछे, वर्त का चाहे क्षेत्रफल पूछे, जब तक हमारे पास त्रिज्या नहीं होती तब तक हम क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम त्रिज्या निकालें तो आर यहीं रख देंगे, इस संख्या को बदलेंगे तो देखिए क्या आएगा, आर बराबर चार गुना में 22, ये जो ऊपर की संख्या है 2 गुना 22 ये नीचे आएगी और जो नीचे संख्या 7 है ये ऊपर चली जाएगी। अब देखिए 22 से 22 कैंसिल हो जाएंगे, 2 दुनी 4 आ जाएगी, आर बराबर 7 दुनी 14 मीटर आ जाएगा। अब हमारे पास इस वृत्त की त्रिज्या आ गई है, त्रिज्या आ गई तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल देखें, सूत्र होता है पाई आर की स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान आया हमारे पास 14, इसको 14 × 14 स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे, 7 × 14, 22 को 2 से गुणा करें 44, इनका गुणा आ गया, गुणा में आ गया 14, 14 का गुणा करते हैं 14 × 56, 14 × 56 = 5, 61, 616 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से समझने की जरूरत है कि शुरुआत कहाँ से होगी, कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया है इसी से शुरुआत करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 मीटर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की स्क्वायर, तो भुजा की स्क्वायर का मान है 484, भुजा की स्क्वायर बराबर 484 22 की स्क्वायर होता है, 22 की स्क्वायर 484 होता है, इसलिए 484 के स्थान पर 22 लिख दिया मैंने, 22 की स्क्वायर, भुजा ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होने पर भुजा जाएगी 22 मीटर। अब देखिए लिखा है कि वृत्त की परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो मैंने लिखा है कि परिधि बराबर है परिमाप, परिधि 2πr, वर्ग का परिमाप 4 × भुजा, 2 × 22/7 गुणा में r, 22/7 पाई का मान है, 2 का 2 है, बराबर 4 × भुजा आई हुई है आपके पास 22, तो 4 × 22 हो गया। r ज्ञात करेंगे तो 2 और 22 ये ऊपर हैं, ये तो नीचे आ गए, ये 7 नीचे है ये ऊपर चला गया, इनके पास 22 से 22 कैंसिल हो गए, 2 × 4 7 × 14 हो गया, r का मान आ गया 14 मीटर। आर 14 मीटर आने के बाद पाई आर स्क्वायर वर्त का क्षेत्रफल होता है, पाई का मान 22/7 गुणा में आर 14 है तो 14 की स्क्वायर होगी तो 14 × 14 दो बार लिखा जाएगा, 7 का भाग दें 14 में तो 2 पे जाएगा, 22 × 44 गुणा में 14, 14 का 44 से गुणा कर दें 616 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वृत्ताकार खेत पर ₹24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5,280 रुपये है, अब हमें बताना है कि उस खेत की जुताई करवानी है 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत की
जुताई कराने का व्यय ज्ञात करें। तो सबसे पहले प्रश्न है हमारे पास कि प्रति मीटर का मतलब है एक मीटर पर जब हम बाड़ लगाएं तो खर्चा आ रहा है 5,280 रुपये। एक मीटर पर बाड़ लगाने का खर्चा आ रहा है 5,280 रुपये एक मीटर पर बाड़ लगाने का खर्चा है और सारे खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा है 5,280 रुपये। जैसे ये हमारा खेत है, इसके चारों ओर बाड़ लगाई है हमने और बाड़ लगाने का खर्चा है 5,280 रुपये। अब देखिए, इसने हमें बताया है कि एक मीटर पर बाड़ लगाएं, जैसे ये एक मीटर है इस पर बाड़ लगाएं तो 24 रुपये में लगाई जाती है। तो सारी बाड़ की लंबाई हमें ज्ञात करनी हो तो सीधा पता है, सिंपल सी बात है कि जैसे आपको बोल दिया जाए कि 25 रुपये में पच्चीस रुपये के पेन खरीदे हैं, एक पेन का मूल्य है 5 रुपये है, तो पेन कितने खरीदे जाएंगे ये बताना है कि कितने पेन आएंगे 25 रुपये में। तो क्या करेंगे, एक पेन का मूल्य दिया है 5 रुपये और सारे रुपए 25 खर्च किए हैं, तो सारे रुपए जो खर्च किए उसमें एक पेन के मूल्य का भाग दे देंगे तो पेनों की संख्या आ जाएगी ना 5। कि 5 का भाग देते ही 5×5=25, यानी पता चल जाएगा 5 पेन हमने खरीदे हैं। इसी प्रकार का सिंपल सा प्रश्न है ये। यहाँ पर एक मीटर पर बाड़ का खर्चा हमें दिया है और सारे जो बाड़ पर खर्च हुए हैं वो पैसे दिए हैं 5,280। तो एक मीटर वाले का जैसे ही इसमें भाग लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये बाड़ कितनी लंबी है, कितने मीटर की बाड़ है, ये पता चल जाएगा। यानी बाड़ की लंबाई, बाड़ की लंबाई बराबर हो जाएगा कुल व्यय बाड़ लगाने पर जो कुल खर्चा आया है वो, इसमें भाग दे देंगे प्रति मीटर का व्यय, प्रति मीटर व्यय, यानी 5,280 बटे में आ जाएगा 24, 24×48 बच गए 4, 24×48 यानी 220 मीटर है बाड़ की लंबाई। यानी पूरे खेत की जो लंबाई है बाड़ की, या पूरे खेत की चारों ओर की जो परिधि है वो 220 मीटर है। बाड़ हमने परिधि परी लगाई है, ये जो बाड़ की लंबाई आई है यही इस खेत की परिधि है, क्योंकि परिधि के चारों ओर ही तो बाड़ लगाई है। तो देखिए, बाड़ की लंबाई बराबर परिधि, खेत की परिधि बराबर है बाड़ की लंबाई, क्योंकि जितनी परिधि है उतनी ही तो बाड़ लगाएंगे। अब परिधि का क्षेत्र सूत्र होता है 2πr और बाड़ की लंबाई है 220 मीटर। अब देखिए, 2×22/7 गुणा में r बराबर है 220। आर अगर ज्ञात करनी है तो 220 की तरफ जाएगा तो 7 नीचे है, ये तो ऊपर चला जाएगा, संख्या का पक्षांतरण होगा और जो ऊपर की संख्याएं हैं वो नीचे आ जाएंगी। जब भी पक्षांतरण करें तो संख्या बदली होती हैं, नीचे वाली ऊपर जाती हैं और ऊपर वाली नीचे, ये दो ऊपर हैं ये नीचे आ गई, ये नीचे है ये ऊपर चली गई। अब देखिए, 22×2 10 आ गए, 10 में फिर 2 का भाग जा रहा है, 5×2 5 आ गए, आर बराबर 5×7 यानी आर बराबर आ गया 35 मीटर। अब इस खेत की त्रिज्या आ गई हमारे पास 35 मीटर की।
जब खेत की त्रिज्या आ गई तो खेत को समतल करवाने का व्यय बताना है प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, तो वर्ग मीटर आ गया, इसका मतलब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसे खेत का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे क्योंकि खर्चा प्रति वर्ग मीटर का है ये, और वर्ग मीटर आएगा तो क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, इसलिए खेत का क्षेत्रफल बराबर खेत वर्ताकार है तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर है 35 × 35, अब 7 × 5 = 35, 22 × 5 = 110, गुणा में है 35, 35 को अब 110 से गुणा कर दें, 11 × 5 = 55 का 50 = 5, 11 × 3 = 33 और 5 = 38, इतने मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर आपके खेत का क्षेत्रफल आ गया। अब 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर जुताई करवानी है, तो सिंपल सा प्रश्न है, 1 रुपया यदि प्रति वर्ग मीटर का लगता तो 3,850 रुपये लग जाते, लेकिन 1 रुपये से आधा खर्चा लग रहा है, 50 पैसे लग रहा है, तो फिर इसका आधा खर्चा हो जाएगा 1925 रुपये, बाकी 50 पैसे को यदि हम रुपए में बदल रहे हैं तो 100 का भाग दे देते हैं, तो ये रुपया बन जाएगा, इसको काटें तो 5 × 5 = 5, 5 × 10 = 10, आधा रुपया हो गया ये, तो लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर को समतल करवाने का व्यय एक बटे 2 रुपये है, इसलिए 3,850 वर्ग मीटर को समतल करवाने का व्यय होगा 1/2 × 3,850, तो ये आ गया आपका 1925 रुपये, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लें और कॉपी में उतार लें।